सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोडो हित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी J7 Plus के बारे में। तो मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक आपको आई बटन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी J7 Plus के एकदम लाइव पिक्चर्स। जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी J7 Plus में आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है, क्लियर दिख रहा है इस वीडियो में, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो मैं बता दूं कि ये फ़ोन को पहले थाईलैंड में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद बाकी कंट्रीज़ में इस फ़ोन को लॉन्च किया जाएगा। ये सैमसंग की तरफ से दूसरा फ़ोन होगा जिसमें आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप नज़र आ रहा होगा, जो कि वर्टिकल टाइप से दिया गया है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमें सैमसंग गैलेक्सी J7 Plus में क्या क्या स्पेस देखने को मिल सकता है। तो मैं बात करूँ तो इसमें आपको पहले पता चल गया कि इस फ़ोन में आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जो होगा 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा। और फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। जी हाँ, 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। तो यह डुअल कैमरा का सैमसंग की तरफ से सेकेंड फ़ोन होगा जिसमें आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। मैं बता दूं कि पहले सैमसंग ने Note 8 में आपको डुअल कैमरा देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको मिड रेंज फ़ोन में आपको सैमसंग की तरफ से डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें बाकी स्पेस की, तो इसमें आपको मिलेगा 5.5 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड स्क्रीन, जो कि फुल मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन के साथ आने वाला है। जी हाँ, फुल मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन के साथ 2.9 GHz का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर, जो कि बताया जा रहा है कि एक्जिनोस के 7870 चिपसेट के साथ आने वाला है। 4 GB की रैम मिलेगी, 32 GB की इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी, जिसको आप एक्सपेंडेबल कर पाएगा 256 GB तक। कैमरा की बात करें तो कैमरा में बता दिया कि 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। 3000 mAh की बैटरी मिलेगी, डुअल सिम सपोर्ट करता है, एंड्रॉयड का इसमें आपको 7.1.1 NuGet दिया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है ये। और बात करो अगर एंड्रॉयड की OS की, तो इसमें आपको 7.1 में बता दिया कि NuGet दिया जा रहा है। 3000 mAh की इसमें आपको बैटरी मिलेगी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है कि नहीं करता है अभी तक ये कन्फर्म नहीं है। जैसे कि आप पिक्चर्स भी देख ही सकते हैं कि कुछ फोटोज़ लीकों के सामने आई है। बता दूं कि इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड की भी सुविधा मिलेगी। जी हाँ, पोर्ट्रेट मोड, इसका मतलब आपका पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा ऑटो फोकस के साथ। इसमें आपको एक डेडिकेट बटन दिया जा रहा है, जो कि बिक्सबी के लिए दिया गया है। जी हाँ, बिक्सबी भी इस फ़ोन में आपको दिया जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। आपको मिड रेंज फ़ोन में बिक्सबी, सैमसंग का अपना वर्चुअल असिस्टेंट है, वो दिया जा रहा है इस फ़ोन में, तो एक बहुत बड़ी बात है। आपको इस फ़ोन में सैमसंग की तरफ से बिक्सबी भी दिया जा रहा है, तो एक अच्छा फ़ोन है। और अभी तक प्राइस कन्फर्म नहीं है कि कब इस फ़ोन को इंडिया में, तो अभी कन्फर्म ही नहीं है कि कब तक आएगा इंडिया में। तो जैसे मुझे कोई अगर और अपडेट आता है फ्यूचर में, तो मैं तुरंत आप लोगों को वीडियो बना के पहुँचा दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली इसी तरह से टेक वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं क्लियर दिख रहा है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी J7 Plus, जिसमें आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा फ़ोन है, 5.5 इंच का डिवाइस आएगा, 3000 mAh की बैटरी मिलेगी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है कि नहीं करता है अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है। इस फ़ोन में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलेगा, जो कि सेल्फी लवर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। 3000 mAh की बैटरी मिलेगी, 4 GB का रैम मिलेगा, एक्जिनोस का 7870 चिपसेट मिल सकता है, अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, जैसे ही मुझे कोई और अपडेट आता है मैं तुरंत आप लोगों को वीडियो बना के पहुँचा दूंगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं फ्यूचर में अगर कोई भी लेटेस्ट आता है अपडेट, तो मैं तुरंत आप लोगों तक पहुँचा दूंगा। तो आज का वीडियो था सैमसंग के J7 Plus के बारे में, जिसमें आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिल सकता है। ये थाईलैंड में पहले लॉन्च होगा, उसके बाद बाकी कंट्रीज़ में ये फ़ोन को लाया जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों की भी इसकी जानकारी पहुँच जाए और वो लोग भी अगर फ़ोन लेने का सोच रहे थे तो थोड़ा दिन वेट कर पाए, क्योंकि सैमसंग की तरफ से एक धमाकेदार फ़ोन आने वाला है। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोज़, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।